मैं फरहान आईएमबी से और आज मेरे साथ शरियार खान हैं जो कि बीएसपी के कन्वेनर हैं और बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, वेल नोन सोसाइटी में हैं। बात यह है कि जो आईएमए का प्रॉब्लम हुआ है और जो उम्मत इतने मुसीबत में आई है तो उसका सोल्यूशन पूछने के लिए लीगल वे में शरियार खान के साथ बैठा हूँ कि क्या हम उनकी मदद कैसे कर सकते हैं। वो जानने से पहले मैं ये भी जानना चाहूँगा, क्योंकि ये सारे लोग ये बोलते हैं कि शरीयत के हिसाब से हम काम कर रहे हैं, तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं उनसे रोशनी डालने की, आप शरीयत साहब आप ये भी जानना चाहूँगा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें क्या जायज़ है नाजायज़ है, वो एक पॉइंट है। इस्लामिक और कुरानिक स्टैंड पॉइंट से ये हराम है, ये पॉन्जी स्कीम तो बिल्कुल ही अन इस्लामिक हराम है और इनह्यूमन भी है। अब कुरान का प्योरली पूछे तो बिल्कुल हराम है। मुझे समझ ही नहीं आता ये लोग इतने अपेरेंटली मुस्लिम दिखते हैं और इतने मुस्लिम के लोग माशाल्लाह दाढ़ी है, नमाज पढ़ते हैं, रोजे रहते हैं, इन्होंने कैसा क्या इनको इनका क्या हमारे मौलवीज और हमारी लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप और रिलीजियस ये फेल हो रहे हैं इनको गाइड करने में। एक ड्रेथ है फरहान साहब, दुख होता है, रोना आता है, एक एंग्विश फील होता है कि इतने लोग पैसे दल इनको कौन रोका नहीं क्या। आज मैं देख रहा हूँ कहीं लोग आके टीवी में बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं वो लोग, 5000 लोग डाले तो मैं उनको नहीं बोल सके कि पोंजी हराम है और इंडियन सिस्टम से भी इलीगल है। देखो इंडिया का भी इंडिया के कानून के हिसाब से पोंजी स्कीमें अभी कानून बनाने उसका एक बिल लोकसभा में पास होकर है, बट फ्यू टेक्निकलिटी से वो वीरप्पा मोली कमेटी को एंड पार्लियामेंट्री कमेटी को देखें, उसकी वो जांच चल रही है उसके, फाइनली इट विल बिकम ए लॉ। मोदी साहब वो लॉ ला रहे हैं, ये गवर्नमेंट ला रही है, तो ये लोगों को क्यों नहीं हमारे लीडर्स बोलते हैं? नहीं, प्रॉब्लम क्या है, ये लोग ऐसा प्रेजेंट किए थे कि ये पोंजी स्कीम नहीं है, तो और जो उलमा इनको सपोर्ट किए थे, क्योंकि मैंने भी एक दो बार इंटरव्यू किया था तो मंसूर भाई ने ये बोला था नहीं ये तो नहीं है पोंजी स्कीम नहीं है, ये तो प्योर बिजनेस है, हलाल की कमाई है। ये जो मुझे नहीं मालूम किससे बात करें आप, लेकिन ये जो ये गाइडेंस देना, ये लोग चोर हैं, दे आर क्रूक्स इन द ग्रैप ऑफ यू नो रिलीजियस लीडर्स। मैं यहाँ वर्ड्स मींस नहीं करता, यू नो कैसा बोल सकते हैं ऐसा, क्या नबी के लास्ट सरमन इनो 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 पढ़े नहीं, देखे नहीं इनो, क्या नबी बोले नहीं है इसके बारे में उजूरी का मतलब क्या है? तुम्हें ये गरीब का, ये इग्नोरेंट का, एक आदमी जो इनोसेंट है उसका तुम्हें एक डिसएडवांटेज ले रहे हैं, उसे एक ऐसे सिचुएशन में ला रहे हैं और उसे फूल कर रहे हैं, करें वो ना करके हैं, सो दैट इज वॉट दे हैव डन, नो दैट इज उजूरी। उजूरी ये नहीं कि तुम्हें बिल्कुल ऐसा इंटरेस्ट से ज्यादा, वो नहीं, एनी बिजनेस में या एनी प्रिमिटिव बैंकिंग सिस्टम में अब एक किसी मुलाजिम का या गरीब का तुम्हें अगर अनड्यू एडवांटेज लेके उसे धोखा दे रहा है तो दैट इज ओनली उजूरी। इंग्लिश में उजूरी कहते हैं, अरबिक में रिबा बोलते हैं। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, कैसा ही ऐसे बात कर सकते हैं, कोई शर्म आना इन लोगों को। लेकिन देखिए ये जो 13-14 साल से ये कंपनी चल रही थी और हर पहले इन लोगों ने 5% दिया है, 6% तक दिया है, बाद में एक यूनिफॉर्म हो गया था नियर अबाउट 2.7% से 3.1% कन्फर्म मिल रहा था और इतना पंक्चुअल ये लोग देते थे कि 30 तारीख को नोटिफिकेशन आता था मोबाइल पे और पहली तारीख को बैंक में पैसा आ जाता था, तो कॉन्फिडेंस लोगों का इतना बिल्डअप हो गया कि दिस गाइज आर गिविंग मनी ऑन टाइम और नाउ सडनली दे डिसअपियर। और एक देखिए दो चीज़ें, आपने एक ऑडियो सुना होगा कि जो कि ये क्लेम हो रहा है कि ये मंसूर जो साहब हैं और जो डायरेक्टर हैं उन्होंने भेजा है, तो मेरा दो पॉइंट ऑफ व्यू, अगर उन्होंने भेजा है और उसमें ये बोलते हैं कि मैं अपने आप को ख़त्म कर रहा हूँ, तो ख़त्म कर रहा है तो कोई एडवेंस आना चाहिए कि भाई ख़त्म हो गया नहीं है दुनिया में, एक वो है। अगर आज वो वापस आके ये बोलते हैं कि नहीं ये वीडियो फेक है मैंने नहीं बनाया है, तो आपने इमिडिएटली सेम डे क्यों नहीं दिया था स्टेटमेंट, तो ये डैमेज नहीं था। आज जाके देखिए वहाँ लोग रो रहे हैं, हम मुझको ये डर लगता है कि ऐसा नहीं कितने लोग सुसाइड कर लें। देखिए फरहान साहब, यू नो अगर इन्हों सुसाइड कर रहे हैं तो उनका प्रॉब्लम है, ही डिजर्व्स इट। इन्हों 5000 लोगों को ख़त्म कर डाले, उन्हों मरने का क्या बात करें, हमें 5000 लोग खत्म हो गए, मैं देख रहा नहीं है अभी तक तो 7000 ऑलरेडी आ चुके हैं, उतने लोग मरे ना, तो अब लग रहा है कि ये जो जिस तरह से अभी तक लाइन लग रहा है लोग आ रहे हैं, मेरे को लगता है ये 15-20 हज़ार से ऊपर इन्वेस्ट, ये हमारे सिस्टम में हमारे उम्मत में, बाकी का छोड़िए हिंदुइज्म को छोड़िए, बहुत वेल ऑर्गेनाइज हैं लोग, ये सिम्टम्स हैं बड़ी बीमारी के कि हमारे लोगों को धोखा दे रहे हैं। इफ़ ही यूजलेस पॉलिटिकल लीडरशिप क्या भी नहीं करती, क्लरिस फतवा देते हैं तुम्हें बिजनेस है बोल के,
ये सिम्टम ऑफ ए बिगर डिसीज है ये। लेकिन ये बार बार क्यों हो रहा है? होता है क्योंकि कंपनी हुए ना, हाँ, एक के बाद एक है, लोग भरोसा कर रहे हैं ब्लाइंडली, दे आर इन्वेस्टिंग, कोई रोक नहीं रहा। मैं ये बोलता कि ओपनली पॉलिटिशियन क्यों नहीं सामने आते हैं? आप वोट मांगने के लिए तो आप उनके पैर पकड़ लेते हैं। तो जब कोई अनपढ़ जाहिल और कमजोर इंसान सोसाइटी में आपके है तो आप आके ओपनली बताइए ना कि नहीं भाई मत करो इसमें इन्वेस्टमेंट, तो उस वक्त आप क्यों नहीं सपोर्ट करते? तो मैं ये जानना चाहता हूं, क्योंकि आज भी आप पॉलिटिकल फील्ड से जुड़ चुके हैं और उम्मत इस वक्त पॉलिटिकल लोगों का हाथ थामना चाहती है, तो आप ऐसे बेसहारा जहां लोग प्रॉब्लम में, आप क्या मदद कर सकते हैं? ये मेरा आपसे क्वेश्चन है। देखिए, आपको सामने बिल्कुल सामने आ रहा है कि पॉलिटिशियंस एंड ये फ्रॉडस्टर का नेक्सस है। जब इन लोग मिले हुए हैं तो तुम्हें कैसा उनको पकड़ते हैं पॉलिटिशियन को, एक सीनियर पॉलिटिशियन का नाम आ रहा है, इनमें एक नेक्सस है। आप इवन वक्त का भी देखिए, उसमें भी हमारे लोगों का नाम है, समझ रहे ना आप? फ्रॉड चल रहा है तो कोई हिंदू श्री राम श्री कृष्ण नहीं कर रहा है जी, हमारे लोगों कर रहे हैं, हमारे लोग हमको डुबा रहे हैं। और मजे की बात है कि फिर बोलते हैं कि हमें उम्मत के लीडर्स, हमें कम्युनिटी के लीडर्स, हमें इनको शर्मिश नहीं है, थोड़ी भी शर्म नहीं है इन लोगों को। हमारा एक अच्छा लीडर होना, एक अच्छा लीडर होना, और उन्हें मौलवी या मुल्ला बनने की जरूरत नहीं। पॉलिटिकली नबी क्या थे? नबी पॉलिटिशियन थे, मौलवी थे, हर चीज थे। ऐसा एक लीडर आने की जरूरत है जो नहीं है, या मौलवीज हैं ऑब्स्क्योरेंटिक, या फिर ऐसे बेगार ऐसे शर्म नहीं सो पॉलिटिशियंस हैं। क्या करना हमें? और मेरी बात कितने लोग सुनते हैं? मैं तो डंके की चोट पर बोलता हूँ, मैं टेलीविजन में आके बोलता हूँ, कितने लोग सुनते हैं? मैं बोला तो बोलते हैं ये बेवकूफ़ी है ना, क्या हमने 6% दे रहा है, 20% दे रहा है। इनको कानून क्या मालूम नहीं, कुरान क्या मालूम नहीं, पैसा है तो बस है इनका। इनको इस्लाम का मतलब यू नो वो रिचुअल्स एंड सिम्बल्स ऑफ इस्लाम फॉलो करना। नबी की सुन्नत कौन फॉलो कर रहे हैं? कर रहे हैं क्या है लोग? आज इतनी बड़ी मुसीबत में है, हम लोगों को एज लीडर्स ऑफ द कम्युनिटी रोना आ रहा है इन लोगों को देख के। मैं देखता था एक बुढ़ी औरत रोती थी, माई हार्ट क्राइड फॉर हर। क्या कर सकते हैं हम लोग? मैं सीपी से भी बात किया इसके बारे में, बैंगलोर पुलिस कमिश्नर को बात किया मैं इसके बारे में, ये मंसूर खान के बारे में, तो उन्होंने बोले कि नहीं उन्हें सुसाइड नहीं किया, अभी थे शायद अभी थे, ही वेरी कैटेगरी टोल्ड मी नो ही हैज नॉट कमिटेड सुसाइड, नोबडी नोज व्हाट ही हैज डन। और सोशल मीडिया के जमाने में अफवाह उठ रहे हैं, ये जो रिकॉर्डिंग आ रहे हैं फॉरेंसिक लैब को भेजें वॉइस स्ट्रक्चर मैच करने के लिए। मुझे नहीं मालूम इसके बारे में, मैं कमेंट नहीं करता क्योंकि आजकल हर रकम के न्यूज आते हैं, तो आई रियली डोंट नो हाउ जेन्यून इट इज। बट देखिए, एक फ्रॉड हैज बीन कमिटेड, अ क्राइम हैज बीन परपेट्रेटेड। व्हाई मंसूर अली खान एक सिस्टम का छोटा हिस्सा, ये गली सिस्टम उसे पैदा करा। कौन सा सिस्टम? ये पॉलिटिकल सिस्टम, ये क्लरिकल ये सिस्टम, ऐसे बहुत हैं। अगर हमें आज जागे नहीं, एक सब लोग मिलके वो इलेक्शंस के टाइम पे जो बेगरेती से पैसे खाके ये खाके अच्छे लीडर को डाल ले तो इनको रोक सकते हैं, वी कैन स्टॉप देम। कैसी कम्युनिटी हमारी, कैसे नबी हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हमें सफर होना, कौन हमारे लोग हमारे गले उतार रहे हैं? और वे ताजुब नहीं है परान साहब, हिस्ट्री में ऐसा जैसो हमारे लोग हमारे गले उतार रहे हैं, बाबर आके उसको इब्राहिम लोडी को उठाया, नजरुद्दीन शाह के मुगल को। तो अब सोल्यूशन क्या है? अब मैं ये बता रहा हूँ कि अगर ये जिन लोगों को प्रॉब्लम हुआ है आप उनकी कुछ मदद कर सकते हैं क्या? उनको आप एक जगह इकट्ठा करके उनके कंप्लेन को गवर्नमेंट तक पहुंचा सकते हैं? क्योंकि मैं इसलिए आपसे बोलना चाह रहा हूं कि आप भी पॉलिटिकली कनेक्टेड, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ना जी। किसका एमएलए है जिसका नाम आ रहा है? किसका, कौन से पार्टी का एमएलए है? कांग्रेस का। फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ना जी। अब जाके आप उनके डेलीग दीजिए, अच्छे लीडर्स हैं, जमीर अहमद साहब अच्छे लीडर्स हैं, मेरे दोस्त हैं रिजवान अर्शद भी अच्छे लीडर्स हैं, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ना जी। तो इन लोगों को आना चाहिए ना, मैं तो हूँ। तो नहीं तो आप इनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, बुला सकते हैं कि आप जमीर अहमद साहब आओ, रिजवान तुम आओ, हम जाके इसको एक फाइल को देते हैं होम मिनिस्ट्री को। जरूर, देखो स्टेट होम मिनिस्ट्री को देने से क्या होता, पॉन्जी स्कीम की बन रही, देखो ये है ना इग्नोरेंस है, पॉन्जी स्कीम का कानून बन रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट में, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट है, CBI है, क्या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर है वो? नहीं है। हमारे लीडर्स बहुत काबिल लीडर्स है, मुझे मैं हमारे अब जो है न्यू ब्रीड की बात कर रहा हूँ मैं, पहले की तो छोड़ो इनकी नहीं, मैं इनकी बात कर रहा हूँ जो अभी लीडर्स हैं। ये लोग इमीडिएटली दिल्ली को जाना, इनके एप्लीकेशन लेके जाना, यू नो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना कि CBI को हैंड इट करो, बिकॉज द प्रोपोर्शन ऑफ द केस इज वेरी बिग, 7000 पीपल, CBI शुड इंक्वायर, ED शुड इंक्वायर, नॉट द स्टेट गवर्नमेंट। इनको कॉम्पिटेंसीज नहीं है जी। और एलिगेशन इनके ही MLA पे आ रहा है, सीनियर लीडर पे आ रहा है,
तो ये कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे? आदमी में ये भी रहता ना। नहीं, बात ये है कि अब लोगों को ये भरोसा नहीं है कि जो लोग पॉलिटिकल लोग इन्वॉल्व हैं या जो अभी पावर में हैं वो उनकी मदद नहीं करेंगे, क्योंकि ये पहली कंपनी नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग चीटिंग किया, और आप देखेंगे वीडियो मैंने कुछ रिलीज़ किया है उसमें लोग ये बोल रहे हैं कि हम कमिश्नर के पास भी गए थे, सारे पॉलिटिकल लोगों के पास गए, कोर्ट में गए, हमारा कोई सुनवाई नहीं होता है। तो लोगों को डर ये है कि इस बार भी जस्टिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पॉलिटिकली कनेक्टेड हैं, आप क्यों नहीं लोगों को अपना नंबर शेयर कीजिए, लेट पीपल कनेक्ट टू यू, यू टेक एवरीबॉडी। आई एम अ पब्लिक पर्सन, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैव माय नंबर, आई एम ऑन द फेसबुक, बट ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ, इसका जो आईएमए का है इसका क्या होता है, क्या बोलते हैं आपको लोग हैं इसके बारे में? केसेस फाइल होते हैं, पुलिस उसे एफआईआर फाइल करती है, कोर्ट को जाता है, कोर्ट उनके एसेट्स को ढूंढते हैं, लिक्विडेट करते हैं, उसको तकसीम कर जाते हैं जो भी अग्रीड पार्टीज हैं। इफ दैट प्रोसेस टेक लॉट ऑफ टाइम, ये दो साल भी लग सकता है, तीन साल, लेकिन एक लॉ है जो कि छह महीना के अंदर होता है। महाराष्ट्र में एक केस हुआ था कि अंडर इन दैट लॉ दे फाइनलाइज विद इन सिक्स मंथ। सी फरहान साहब, एनीबडी हु सेज दैट दिस केस, दिस फाइनेंशियल फ्रॉड इज गोइंग टू बी इन्वेस्टिगेटेड एंड रिजॉल्वड इन सिक्स मंथ्स इज लाइंग थ्रू हिज हैट, बिकॉज देयर इज अ सिस्टम ऑफ अपील एंड हायर अपील। If Mansoor Khan is indicted by the lower court, he will go to a higher court. Then again he will go to a higher court. There is a process of law. A lower court 6 months mein jhatak ke chhod dengi hai. But he can go for an appeal, no? There is a due process of the law. But Mansoor Khan is not coming in picture. I mean, he finally has to come. Suppose he not coming, then police is going to seize his property. That is a law. He is a fugitive now. He will be officially declared a proclaimed offender or a fugitive. Then he will be nabbed. He can't escape the noose of the law. See, अगर वो कम क्लीन करें, इफ ही कम्स क्लीन एंड सेज के भाई के जैसे सहारा का हुआ, ये हुआ के, या फिर सी ही हैज अ चॉइस, ऑल आर क्रिमिनल्स, सुब्रत सहारा इज अ क्रिमिनल, विजय माला इज अ नीरव, दे रैन अवे, सुब्रत सहारा वाज कॉट एंड ही इज इन द जेल, सुप्रीम कोर्ट क्या बोली उसे, सर मुझे छोड़ो आप, मैं मेरा एसेट्स बेच के मैं इनको सभी तकसीम करता हूँ, जेल में बैठ, सब रजिस्टर भी वहाँ चाहता है, तुम्हारा पुलिस भी आता है, सब जने आते हैं, यहाँ से बैठ के लिक्विडेट करके इसे भी, ये तो भागा नहीं मेरे ख्याल से, इसे भी जेल में डालो और इसके एसेट्स को आइडेंटिफाई करो और लिक्विडेट करो। अरे ये भी चेक करना चाहिए, ये जो लोग बिजनेस कर रहे हैं ये क्या लॉ के हिसाब से कर रहे हैं, कोई लॉ इनको दिया है परमिशन कि, क्योंकि कोई देखिए इतना बड़ा स्कीम चला, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी पता था, लोकल बॉडीज को भी पता था, लोगों ने कभी इस बात को चेक करने की कोशिश? सर पॉन्जी स्कीम्स पैदा हुए, एक आदमी था चार्ल्स पॉन्जी, उससे पैदा हुए, ये इसे बोलते हैं बट बाय विद द वेरी डेफिनेशन दे आर कॉल्ड फ्रॉड स्कीम्स। क्या लोग सो रहे हैं, क्या कर रहे हैं लोग? देखिए एक तो मैं बताता हूँ, लोग के सोने की बात नहीं, हाँ। बात ये है कि वहां तो जाहिलियत है, हाँ। जो लोग इन्वेस्ट किए 70% पीपल आर नॉट एजुकेटेड, ठीक है, जो 30% लोग एजुकेटेड होके भी पैसा डाले, खैर वो उनकी सोच है। मैं ये बोल रहा हूँ कि जब ये बात, ये मसला पता चल जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और लोकल मिनिस्टर्स को, लोकल कोर्ट के जजेस को कि ऐसा स्कीम चल रहा है, तो क्यों नहीं अथॉरिटी पहले चेक करती है कि भाई आप? सर, यू हैव पॉलिटिशियंस इन इंडिया हु हंट विद द हाउंड्स एंड रन विद द रैबिट्स। आई एम नॉट टेकिंग द नेम द जेंटलमैन, सो हाउ कैन यू आइडेंटिफाई देम व्हेन द लीडर्स आर हैंड इन ग्लव विद देम? How can you identify them? Mansoor Khan खुद बोले ना, गुंडेज को भेजते हैं, ये भेजते हैं, फलाना लीडर ये भेजता है, वो भेजता है, बोलके How? When there is a nexus and people are very happy to see one politician who has risen from the ranks to riches with this Mansoor Khan, they are very confident. How are they confident? दूसरे जो आप जो क्या कहते हैं फतवा करें, वो लोग क्यों उनको गाइड नहीं करें? यू नो तबलीग जमात करते हैं, माशाल्लाह करना भी करना चाहिए, इसके बारे में भी जरा बोलना था ना। देखो भाई करोनो को नॉट अगेंस्ट मंसूर खान एंड एक्स मनोहिरा शेख, ऐसे उनका भी हुआ था ना हीरा ग्रुप का, पॉन्जी स्कीम से हराम, ये फतवा कहीं को नहीं इशू करे, ये फतवा मैं कहां भी सुने नहीं है, तिबल तलाक के बारे में बात कर देते हैं, इसके बारे में इतने लोगों की बेड़ा गर्व हो रहा है, उसके बारे में क्या भी नहीं बोले। नहीं, इस पे एक और चीज समझ में नहीं आता है कि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, जब शुरुआत में आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ी, आपने लोगों से पैसा लिया, ठीक है, एक लेवल पे जब आप पहुंच गए और आपको पता है कि इस बिजनेस में बहुत पैसा है और आप आराम से 3% दे रहे हैं, 4% लोगों को दे रहे हैं, और कहीं कहीं आपने 21 करोड़ रुपए डोनेशन में भी दे दिया, तो जब आपको इतनी प्रॉफिट है तो आप खुद अपने पैसा से क्यों नहीं अपना
एम्पायर को बढ़ा रहे थे। मैं इनके बारे में 5 साल पहले सुना था एक टॉप बिजनेसमैन से कि देखो इन्हें इसका घर डूबता है, इन्हें फेल होता है, इन्हें भागता है बोल के। मैं सरप्राइज हुआ कि इनकी प्रोफेसी कितनी एक्यूरेट है बोल के। क्योंकि बात यह है कि जो मेरी एक बार मीटिंग हुई थी तो इन्होंने कहा कि हमको हर महीने में 850 kg गोल्ड बेचना पड़ता है लोगों को रिटर्न देने के लिए। तो मैंने एक ही क्वेश्चन उनसे किया था कि अगर आपको 850 kg गोल्ड बेचना है क्या गारंटी है कि हर महीने आप बेच लेंगे? जी नहीं तो हमारा कैलकुलेशन ऐसा है समथिंग लाइक। सर यू एंड आई मी नो, यू एंड बोथ ऑफ अस नो हु आर द पीपल हु हैव बेनिफिटेड फ्रॉम हिज लार्जेस्ट हिज जनरोसिटी। यू वी नो दैट करेक्ट। डू यू थिंक यू नो दिस पीपल विल गो अगेंस्ट हिम? No, definitely. Those who have taken the money and all, why should they will talk? Therefore, there should be an impersonal, very objective investigation into this whole issue. CBI, through your esteemed channel, I appeal to the central government, not the state government. I am not doubting their confidence or their competence. This is a case fit for the central government. Okay, MHA should take over, Ministry of Home Affairs, CBI ko dena. ED इन्वेस्ट करना तब इसका ट्रूथ निकलता। तो आप लोगों का अपील लेके इस काम को कीजिए कि देखिए कोई 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 इस चीज का डिमांड नहीं करेगा। शरे भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं क्योंकि मैंने 2-3 दिन तक लोगों का इंटरव्यू लिया है। उम्मत बहुत प्रॉब्लम में है, बहुत सारे लोग अपने घर के जायदाद को बेच के लालच जी में हाँ, जी हाँ, बड़ी लालच में जी हाँ। कि चलो ठीक है मेरे को 3,000 रुपया महीना मिल रहा है, 10,000 मिलेगा, 20,000 लोग रोड पे आ चुके हैं जी हाँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि कैसे भी करके उनको कुछ पैसा मिल जाए वापस, चाहे 1 साल लगे या 2 साल लगे, कुछ पैसा मिले। तो उसके लिए मैं चाहता हूं कि लोग आपसे कांटेक्ट करें, आप उनके फाइल को बनाइए और आप गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की कि सीबीआई की इंक्वायरी हो उस पे। सर मैं एज अ पॉलिटिकल लीडर एंड एज अ कंसर्न मैन ऑफ द इंटेलेक्चुअल मैं सेंट्रल होम मिनिस्ट्री से का ही दरवाज़ा खटखटाऊंगा। ये हमारे भी मेरे दोस्त, मेरे भाई बीजेड जमीर अहमद और रिजवान अर्शद से भी मैं आपके चैनल के थ्रू अपील करता हूँ कि उन बिकॉज दे आर इन द पोजिशन ऑफ पावर ये लोग भी हमारे साथ या खुद जाके राजनाथ सिंह साहब से मिले और उनसे सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन का इंटरवेंशन का रिक्वेस्ट करें। तो मैं एक बोलता हूँ क्यों नहीं आप जमीर अहमद साहब से और रिजवान से बात कीजिए और बोलिए कि कल एक और इंटरव्यू दें साथ में आपके साथ कंबाइन कि हम लोग इस चीज़ का इनिशिएटिव ले रहे हैं और वहाँ तक हम फाइल को पहुँचाएंगे। मैं ऑलरेडी हमारे बीएसपी के एमपीज को मैं टिक कर चुका हूँ, हमारे जितने भी हैं 13-14 एमपीज हैं उनसे मैं टिक कर चुका हूँ, उनसे बात कर चुका हूँ, इंशाल्लाह मिलूंगा उनसे, पार्लियामेंट में भी उनसे आवाज़ उठाने के लिए कहूँगा। मेरे से जो होता मैं करता हूँ, मैं तो पावर में नहीं हूँ, जो पावर में है उनको ज़्यादा पावर वाले नहीं कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपको तो मदद करना चाहिए। मैं तो हमेशा हूँ फरहान साहब, आप जानते हैं आई एम ऑलवेज देयर फॉर द कम्युनिटी फॉर द कंट्री। ये सिर्फ कम्युनिटी की बात नहीं है, नेशन का इशू है ना, सिटीजन्स हैं। I mean, even if you don't criminalize it, they are citizens who have suffered. Correct. Because of what? आप उनका इग्नोरेंस कहिए या इनोसेंस कहिए। तो सैयर भाई ऐसा है कि मैं आपका नंबर फ्लैश करूंगा अपने चैनल पे, मैं अपने कंपनी का नंबर फ्लैश करूंगा और जितने देखने वाले इन्वेस्टर हैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने कंप्लेन अपने फाइल शरियार खान साहब के साथ जमा कराइए और ये जहाँ तक कमिटमेंट किए हैं हमारे साथ कि ये होम मिनिस्ट्री को रिक्वेस्ट करेंगे कि इस पे सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको जस्टिफिकेशन मिले तो आप हमारे साथ जुड़िए, हम आपकी पूरी फाइल शरियार साहब के पास देंगे और इनसे फॉलो करवा के होम मिनिस्ट्री तक पहुँचाने। ऑलरेडी हमारे जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं उनसे हमें बात करें, उन्होंने भी वहाँ पे एजिटेट करेंगे मैटर और मुझे हमारे भी लीडर्स पे, लोकल लीडर्स पे भी कि काबिलियत पे भी मुझे भरोसा है, कॉन्फिडेंस है, सब मिलकर लड़ेंगे। हमारा मसला है ना, मिलकर लड़ेंगे, टुगेदर वी विल फाइट द कांग्रेस लीडर्स, हम लोग सब मिलकर लड़ेंगे। 7,000 लोगों की जिंदगी का सवाल है अभी तो 7,000 है शरीर, बहुत सारे लोगों का एंट्री आ रहा है तो ये नंबर कितना ऊपर जाएगा बोल नहीं सकते जी हाँ। 1-2 दिन में मैटर और क्लियर हो जी हाँ जी हाँ। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने सपोर्ट दिखाया है, हो सकता है फ्यूचर में आप इन लोगों की मदद करें तो बहुत खुशी होगी। हाँ मैं मेरी तरफ से कोशिश करूँगा जरूर। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।